हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एन एक्सप्लोर लिटरेचर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द नेचर ऑफ ड्रामा बाय जी जे वॉट्सन जी जे वॉटसन का एक बुक था ड्रामा एंड इंट्रोडक्शन जिसका फर्स्ट चैप्टर है द नेचर ऑफ ड्रामा इसे ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंड आई एम रियली सॉरी फॉर अपलोडिंग दिस वीडियो टू लेट बिकॉज आई वॉज नॉट डूइंग वेल एंड आई हैवेंट रिकवर्ड सो प्लीज़ बी ए विद माई वॉइस एंड वॉच टिल द एंड टू अंडरस्टैंड द कन्सेप्ट सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो द नेचर ऑफ़ ड्रामा के अंदर हमें जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो है डेफ़िनेशन ऑफ ड्रामा कि ड्रामा होता क्या है फिर है ऑरिजिन एंड यूनिवर्सलिटी कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ऑल ओवर द ग्लोब उसको कैसे परसीव किया जाता है तीसरा है स्टेज जो स्टेज का कंडीशंस कैसा रहता है कि कैसे जो एक्टर्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं एंड वट आर ऑल द थिंग्स ऑन द स्टेज फिर है फ़िज़िकलिटी ऑफ द स्टेज कि फ़िज़िकल कंडीशंस क्या रहती हैं स्टेज की फिफ्थ है प्लॉट एंड एक्शन कि प्लॉट और एक्शन का क्या इम्पोर्टेंस रहता है सिक्स्थ है लैंग्वेज ऑफ ड्रामा कि लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है ड्रामा के अंदर एंड द सेवेंथ एंड द लास्ट इज़ रीडिंग एंड सीइंग की जो रीडिंग है और एक ड्रामा को देखना उसमें क्या सिमिलरिटी है एंड क्या ये दोनों एक अलग अलग टास्क हैं या फिर उनका कुछ रिलेशन है आपस में तो यही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सो लेट स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ड्रामा देर आर मेनी डेफिनेशन ऑफ ड्रामा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्रिटिक्स कोई कुछ बोलता है कि ये चीज़ ड्रामा है कोई कुछ बोलता है तो जी बी टेंसन है जो वो बोलते हैं कि ड्रामा एक स्टोरी है जिसे लोग एक्ट करते हैं स्टेज के ऊपर ऑडियंस के सामने तो, तो दैट इज ड्रामा लेकिन एरिक बिटर्नली इसमें बोलते हैं कि जो थ्रिटिकल सिचुएशन होता है दैट इज़ रिड्यूस टू मिनिमम इज़ दैट कि जो ए है वो इंपर्सनेट करता है बी को वेल सी लुक सोन मतलब कि दो लोग हैं वो आपस में कुछ चीज़ यू नो एक एक्शन एक कर रहे हैं वो कुछ उनका डायलॉग चल रहा है या फिर कुछ भी एंड द सी पर्सन दैट इज़ ऑडियंस वो उनको देख रहा है तो दैट इज़ ड्रामा फिर जो एम बी वो बोलते हैं कि एक जो प्ले होता है इट्स नॉट रियली अ पीस ऑफ लिटरेचर फॉर रीडिंग कि एक्चुअली ये कोई रीडिंग का मटीरियल नहीं होता एक जो ट्रू प्ले होता है वो थ्री डी होता है आपको लोग चलते फिरते दिखने चाहिए सारी चीज़ें थ्री होनी चाहिए दैट इज़ ड्रामा फॉर अस अगर आपने वो कुछ लिख दिया तो वो हमारे लिए ड्रामा नहीं होगा तो अगर हमें एक जर्नल डेफिनेशन बनाए अब इन सब के डेफिनेशंस को लेकर कि ये ड्रामा है क्या तो ड्रामा इज एन आर्ट जो कि परफॉर्मेंस के द्वारा दिखाया जाता है स्टेज के ऊपर इसमें आपको रियल लाइफ लोग दिखेंगे जो कि इमेजिन लाइफ को प्रिटेंट करते हैं और जो प्लेसिज हैं उनके एक्शंस एंड दिस ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर ताकि हमें एक थ्री डी सा इमेज दिखाया जा सके लोगों के द्वारा प्रेजेंट करके कि जो आप ये पढ़ रहे हैं यू कैन रिलेट इट ऑन द स्टेज क्योंकि पीपल आर डूइंग समथिंग और कोई एक्शन हो रहा है एक आप बुक में पढ़ रहे हैं कि हाँ चार लोगों की लड़ाई हुई एक आपको वो स्टेज पर लड़के दिखाएंगे प्रॉपर तो दैट इज़ द थ्री डी इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट या फिर एक्शन तो दैट इज ड्रामा बात करें ऑरिजिन और यूनिवर्सैलिटी की तो जो ड्रामा है वो एक कॉमनल आर्ट है और इसमें ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स होता है अब ये तो है ना कि एक आदमी आएगा एंड डू दैट ड्रामा क्योंकि इसमें बहुत सारे कोई कॉस्ट्यूम डिजाइनर होता है एंड देर आर सेवरल करेक्टर्स ऑन द स्टेज जो बैक स्टेज में लोग काम कर रहे हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए देर सेवरल पीपल ऑन द स्टेज टू तो ये लार्ज ग्रुप है जो कि परफॉर्मेंस को देखता है एंड कुछ लोग परफॉर्म करते हैं तो ये जो सारा एक पूरा कॉमनल एस्पेक्ट है ड्रामा का वो रिमोट रीजन से है और हम ये भी देख सकते हैं कि रिलीजियस भी इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं क्योंकि पहले क्या होता था ग्रीक सोसाइटी में जो ड्रामाज होते थे वो फेस्टिवल्स पर करवाए जाते थे एंड uh, फिर उनमें कुछ अवार्ड्स भी दिए जाते थे कि दिस इज़ द बेस्ट ड्रामा तो एक जो रिलीजन से उनका कनेक्शन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये आया कहाँ से है तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है प्लेज ऑफ वर्ल्ड इनको तो ये क्या होता था रिलीजियस और मिथ्स ऑफ यूरोबा पीपल ऑफ़ नाइजीरिया उनसे लिंक्ट होते थे तो बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जहाँ पे जो पहले वाले प्लेस होते हैं मोस्टली ड्रामाज होते हैं उनमें रिलीजन का और औरटर्स और ये सारी चीज़ें मतलब एक गॉड का मैसेंजर है एंड देर आर पीपल टॉकिंग टू हिम मास्किंग कि क्या होगा एंड ये सारे जो एक रिलीजियस के एलिमेंट्स हैं ना वो आपको मिलेंगे उसके अंदर तो इसलिए ये बताना चाहते हैं यहाँ पे कि जो ओरिजिन हुई है वो बेसिकली रिलीजियस एलिमेंट से कुछ ताल्लुक रखता है जो ग्रीक और ब्रिटिश ड्रामा है ये ओरिजिनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है रिलीजियस वर्शिप्स के साथ एंड हर एक केस में जो एक सेकुलराइज़ कर दिया गया है बाद में पहले होता था कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस जो आस्पेक्ट थे वो रखे गए थे इसके अंदर लेकिन धीरे धीरे वो सेकुलराइज हो गया है बट जो एक इम्पैक्ट होता है ना रिचुअल्स का वो फिर भी नहीं हट पाया बिकॉज इट वॉज टू मच पावरफुल ऑन दैट एंड एट टाइम्स इट इज़ नेसेसरी तो जो एक यूनिवर्सल अपील है ड्रामा की इज नॉट बिकॉज ऑफ इट्स कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लम एक फेमस फॉर्म है बल्कि इट्स नेचुरल लोग सारे इसे कनेक्ट कर पाते हैं दैट्स वाई इट्स टू मच फेमस ऑल अराउंड द ग्लोब बात करते हैं स्टेज कंडीशंस की तो अगर हम देखें ड्रामा के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेज पे कैसे चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है वो टाइम टू टाइम डेवलप भी हुआ है कि आप कैसा एक स्टेज कंडीशन रखते हैं जैसे टेक्नोलॉजी आता है टेक्निक्स आता है उसके अकॉर्डिंग स्टेज कंडीशंस को यू नो चेंज किया गया है जब ग्रीक ड्रामा होता था उसमें क्या होता था ऐसे पंद्रह पंद्रह हज़ार ऑडियंस आता था एंड यू हैव टू अकोमोडेट दअर्स ऑडियंस तो उसके हिसाब से ही पूरा जो एक स्टेज था उसको बनाया गया था फिर जो एलिजाबेथन प्ले हाउस आया उसको सर्कुलर रखा गया क्योंकि uh, uh, क्या करा गया इनको थोड़ा छोटा एंड एनक्लोज रखा गया तो जो एक ग्रेट डिफरेंस था ग्रीक थिएटर में एंड बिटवीन दिस एलिजाबेथन प्ले हाउस वॉज दैट कि जो प्लेटफॉर्म था स्टेज का कि उसका ऊंचा था एंड uh, जो एलिजाबेथन वाला था उसका थोड़ा क्लोज था तो ये जो पूरा इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि कैसा था छोटा था बड़ा था बट इट्स लाइक कि कैसे इवॉल्व हुआ है ड्रामा तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हाउ दिस थिंग्स एमोज एंड उसका ओरिजिन कैसे हुआ फिर उसका एक यूनिवर्सैलिटी कैसे बनता है एंड दिस ऑल थिंग्स फिर इस जो एलिजाबेथन एक्टिंग स्टाइल है दैट इज़ मोर इंटीमेट ग्रीक स्टाइल से क्योंकि प्रॉक्सिमिटी क्या था ऑडियंस के पास था ज़्यादा और जो ग्रीक टाइम पे होता था प्ले उसमें ऑडियंस दूर बैठा था अब एलिजाबेथन जो एलिजाबेथन प्ले हाउसेस थे उसमें ऑडियंस पास है तो आपको एक जो ऑडियंस है आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं यू कैन रिलेट टू इट जब आप ऑडियंस की बिल्कुल आँखों में आँखें डाल रहे हैं यू विल बी डूइंग समथिंग एल्स और ऑडियंस जब दूर है तो कुछ और करेंगे तो वो सारा कंडीशन है जो ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेज डिसाइड्स दैट फिर जो ग्रीक और एलिजथन ड्रामा थे दे वर नॉट नेचुरलिस्टिक ज़्यादा सा नेचुरल चीज़ें उसमें था नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ जो ग्रीक वाला था वो तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल था, था. एलिजाबेथन थोड़ा कम फॉर्मल था उससे बिकॉज वो पूरा एक रेगुलेशन के अंदर करा जाता था आपको कुछ ऐसा नहीं करना है कि दिस इज दू नो इन पावर गेट ऑफेंडेड एंड दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट अब तो आप अपनी आर्ट के थ्रू कुछ भी दिखा सकते हैं यू कैन प्रजेंट योर व्यूज लेकिन उस टाइम पर यू हैव टू थिंक अबाउट दिस थिंग्स थोड़ा सा तो ये जो सारी चीज़ें हैं वही बताई गई है कि जो स्टेज की कंडीशनस है वो टाइम टू टाइम इवॉल्व हुई है और एक जो रियलिज्म के कॉन्सेप्ट है अब उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है पहले के कंपैरिजन में बात करें फिजिकलिटी ऑफ द स्टेज की तो हाँ जो स्टेज कंडीशनस है वो ओवर टाइम चेंज हुई हैं डिफरेंट कल्चर्स के अंदर फिजिकल नेचर भी चेंज हुआ है स्टेज का जैसे जैसे परफॉर्मेंस यू नो चेंज होता है तो जो लिटरेरी आर्ट फॉर्म है उसके अंदर चेंज होना तो यू you नो know, एक आम सी बात है लेकिन जो फिज़िकल ग्रुपिंग ऑफ एक्टर्स है यूज़ ऑफ कलर्स हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम चेंज होता हुआ नज़र आएगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट वॉइस का यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं मतलब एक आप प्रॉपर अगर थिएटर देखेंगे तो उसमें लाइटिंग का कितना इम्पोर्टेंस होता है यू हैव टू फोकस ऑन अ सर्टन करेक्टर जब आप एक यू नो एक पर्टिकुलर करेक्टर पे बिल्कुल लाइट गिर रही है मतलब आपको पता होना चाहिए वहाँ पे कि वो इम्पॉर्टेंट है और वो कुछ बोलेगा तो वो इंपॉर्टेंट बात बोलेगा तो एक वो लाइटिंग का चीज़ फिर बैकग्राउंड म्यूजिक एंड दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वो छोटा छोटा चीज़ है दिस मेक्स द थिएटिकल जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको अच्छा बना देता है वो तो एक जो एनहेंस हो जाता है हमारा थिएटिकल एक्सपीरियंस उसके लिए जो एक फ़िजिकलिटी है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड वी हैव टू पे फोकस ऑन दैट कमिंग ऑन टू प्लॉट एंड एक्शन तो प्लॉट एंड एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो बहुत ही सेलेक्टिव होना चाहिए बोल्ड क्लियर होना चाहिए ताकि ऑडियंस को समझ आ सके कि एक्चुअल में हो क्या रहा है कैसा स्टोरी लाइन है आपका जो स्टोरी लाइन है वो इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि ऑडियंस उस चीज से रिलेट ही ना कर पाए एंड दे आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि चल क्या रहा है स्टेज पे तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल क्या बोलते हैं पूरा अच्छा सा एक क्रोनोलॉजी के साथ एक लीनियर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि ये हुआ फिर उसके बाद ये हुआ तो दैट शुड बी क्लियर जिसको शेक्सपियर बोलते हैं द टू द टू आर्स ट्रैफिक ऑफ आर स्टेज तो दिस इज वॉट शेक्सपियर कॉल्स दिस एक्शन एंड प्ले वाली चीज़ कि दो घंटे का ट्रैफिक होता है हमारे स्टेज के लिए एंड वी हैव टू मेनटेन दैट हमारे ऑडियंस को समझ आनी चाहिए वो चीज़ बात करें लैंग्वेज ऑफ ड्रामा की तो जो डायलॉग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि उसके थ्रू ही आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने ऑडियंस के साथ ये कोई बुक तो है नहीं कि आप बाद में फिर लिख देंगे कि जो जनरेटर ने बोला वो ये नहीं वो ये बोलना चाहता था वो उसका आय नहीं था तो आपको अपने डायलॉग जो पूरा डायलॉग हो रहा है आपका उसके अंदर ही दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं आर्यनी कर रहा हूँ दैट वॉज साकेजम क्योंकि आपको कोई पीछे से क्लियर करने वाला नहीं आएगा बाद में कि उस उन तो मतलब उस पॉइंट पे वो बात बोली गई थी तो उसका मतलब ये था तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन द प्लॉट और अपने डायलॉग्स में आपको अपना पूरा करेक्टर जो है वो झलकाना होता है जो ड्रामेटिक पोइट्री है उसको भी यूज़ किया जाता था इसके अंदर एंड ड्रामा के अंदर जिससे कि एनहेंस होता था पूरा एक जो ड्रामा के अंदर यू नो एक इमोशन एंड फीलिंग्स का एक कंसंट्रेशन कि आप कैसे उस ड्रामा के अंदर उन चीज़ों को डाल रहे हैं एंड हाउ यू आर ओवरकमिंग दिस थिंग्स फिर यही होता है लैंग्वेज ऑफ ड्रामा के अंदर कि आपको कैसे अपने आ, थीम्स मॉरल आइडियाज़ और ये जो सारी चीज़ें हैं उनको बताना है क्योंकि आप इसको बाद में क्लियर नहीं कर सकते आपके प्ले से ही जो आ, सामने वाले को समझ आ रहा है दैट्स ऑल वो उस चीज़ को ही लेके जाएगा बाद में एज अ मेमोरी कि हाँ भाई मैंने इस प्ले के अंदर ये चीज़ें देखी सो दैट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज ऑफ ड्रामा लास्ट टॉपिक इज रीडिंग एंड सीन तो इसमें बता रहे हैं कि अगर हम एक प्ले को पढ़ते हैं किसी बुक के अंदर एंड देन वी आर वॉचिंग दैट लाइव परफॉर्मेंस तो उससे हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर हमने कोई लाइव चीज़ देख रखी हो एंड देन वी आर रीडिंग इट तो वो सारी चीज़ें यही बता रहे हैं कि जो रीडिंग और वॉचिंग ऑफ द प्ले है वो चीज़ें बहुत एक दूसरे को ना एनहेंस कर देती हैं आपको उसके अंदर की बातें समझ में आने लगती हैं बिकॉज़ आपको कुछ चीज़ें वहाँ पर जो राइटर होगा ऑथर होगा उसने लिख के दिया होगा कि भाई यहाँ पर ये यह बात हो रहा है यहाँ पर ये यह चीज़ें तो आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा और जैसे कि हम मूवी uh, एडेप्टेस देखते हैं किसी किसी नावल का दैट इज़ बिकॉज कि हम उस चीज़ से uh, सीख पाते हैं पूरा थ्रिडी चीज़ दिखेगा तो हमें वो रिलेट कर पाएंगे हम और अच्छे से समझ आएगा तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई कि अगर आप पढ़ के देखोगे तो भी अच्छे से समझ आएगा या फिर देख के पढ़ोगे तो भी अच्छे से समझ आएगा सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई हैव अ हैवर्ट थ्रॉट सो आई एम रियली सॉरी अगैन If you could not understand anything please comment that in the comment box I'll try to you know answer that and we'll try to make this video again after a few days if I'll get well then is don't forget to subscribe to the channel like the video and share it with your friends I'll meet you in the next video till then take care stay happy stay healthy